रखी थी और यूनिट नंबर टू के अब तक हमने दो लेक्चर्स लिए थे पहले लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बेसिक जानकारी ली और सेकेंड लेक्चर में हमने हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स को स्टार्ट किया था जिनमें से अब तक मैं आपसे चार प्रिंसिपल्स जो है बेसिकली डिस्कस कर चुका हूं अगर मैं उन चार प्रिंसिपल्स की बात करूं तो पहला प्रिंसिपल दूसरा प्रिंसिपल तीसरा प्रिंसिपल और चौथे प्रिंसिपल के लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी जिसको हमने लिखा था डी ए डी यू दू डी डी स्टैंडिंग फॉर डिविजन ऑफ वर्क ए स्टैंडिंग फॉर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डी स्टैंडिंग फॉर डिसिप्लिन यू स्टैंडिंग फॉर यूनिटी ऑफ कमांड तो आइए आगे के अगर नेक्स्ट जो है पांच या एटलीस्ट जो है प्रिंसिपल आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी बचे प्रिंसिपल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को विद द नेक्स्ट प्रिंसिपल चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था हेनरी फ्योल के बारे में कि भाई हेनरी फ्योल कौन थे दी ही इज टू बी नोन एज फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट इनका जन्म 1841 में हुआ 1925 में इनकी मृत्यु हो गई ये प्रोफेशन से माइनिंग इंजीनियर थे और ये एक मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे फ्रेंच नेशनल इनकी जो थी सिटीजनशिप थी और हमने ये भी बात कर ली थी कि इन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल हमें दिए कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं तो उन प्रिंसिपल्स में से हम लोगों ने सबसे पहला प्रिंसिपल किया था डिवीजन ऑफ वर्क दूसरा क्या था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड वन हमने किया था डिसिप्लिन फोर्थ वन हमने किया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सॉरी यूनिटी ऑफ कमांड पांचवा प्रिंसिपल आज हमारा रहेगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सिक्स पर हम बात करेंगे जर्नल इंटरेस्ट के बारे में फिर रेमेशन ऑफ एम्प्लॉयज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्केलर चेन तो यहां तक हम पांच प्रिंसिपल आज और डिस्कस करेंगे रिमेनिंग फाइव अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ वर्क में तो मैंने आपको बताया था मेन कॉन्सेप्ट जो है काम के बंटवारे पे रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट पे रहेगा ऐसे ही अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने बताया था कि मेन कॉन्सेप्ट आपको इसका जो है डिस्कस करना है और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट आपको बताते हुए चलने हैं देन हमने बात की थी नेक्स्ट जो प्रिंसिपल था डिसिप्लिन उसके बारे में बात की थी कि डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो वहां पर जो पावर्स हैं वो अंडर एस्टिमेट मानी जाएंगी है ना उनके उनको जो है ना uh, जो वर्कर्स हैं हैं वो फॉलो नहीं करेंगे पावर्स को देन यूनिटी ऑफ कमांड में हमने बात की थी कि देर शुड बी वन बोस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय तो ये सब हमने कर लिया था अब हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और हमारी लास्ट मीटिंग में ये बात भी हुई थी कि फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ ये पांच जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे हमारा संडे आ गया था तो हमने उस दिन क्लास नहीं ली आज मंडे है तो मंडे को मैं क्लास आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और मंडे को हमारी क्लास आगे के जो पांच प्रिंसिपल है उन पर हम ये चर्चा में लाएंगे ठीक है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का अगर हम एक सिंगल मीनिंग समझे तो आप इस लाइन को अंडरलाइन करके चलेंगे वन हेड एंड वन प्लान यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर हमने काम को एक और यूनिट्स में या डिवीजन में बांट दिया है तो उस डिवीजन का उस ऑर्गेनाइजेशन का उस पार्टिकुलर यूनिट का एक ही हेड होना चाहिए और उसके पास एक ही प्लान होना चाहिए जो उसको वो फॉलो करे, ठीक है? देर शुड बी वन हैड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये हमारा कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट इस जो प्रिंसिपल का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है देअ शुड बी वन इट इज नॉट हैंड वन प्लान इट इज वन हैड इसको आप क्या लिखेंगे प्लान शुड बी देयर सो ऑल द यूनिट्स एंड डिविजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रो कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जितने भी यूनिट्स होती हैं जितने भी डिविजन होते हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टू द सेम ऑब्जेक्टिव सभी एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कर रहे होते हैं काम कर रहे होते हैं थ्रो द कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस एफर्ट्स जो की जो काम कर रहे हैं तो उनमें जो उनके प्रयास हैं एफर्ट्स हैं वो बेसिकली कैसे हैं कोऑर्डिनेटेड वो कैसे प्रयास उनके कोऑर्डिनेटेड यानी एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करते हुए ताकि वो अपने सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके सो ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हैड एंड वन प्लान तो वहां पर क्या होना चाहिए वन हैड वन प्लान होना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकल्स एज वेल एज कार्स then it should have two separate divisions for both of the products for both of them each division should have its own in charge plans and execution resources on no account should the working of the two divisions overlap kisi bhi surat mein on no account kisi bhi surat mein दोनों division के काम आपस में overlap नहीं होने चाहिए अगर दोनों division के काम आपस में overlap होंगे तो क्या समस्या हमारे सामने आएगी बताइए क्या प्रॉब्लम हमारे सामने बनेगी हमारे सामने एक प्रॉब्लम आएगी कि काम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा काम प्रॉपरली क्या नहीं हो पाएगा एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा राइट सो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट में अगर हम बात करें तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन यानी जहां यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा वहां पर यूनिटी ऑफ एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलेगा क्योंकि वन हेड होगा किसी डिपार्टमेंट का तो वो वन प्लान के साथ काम करेगा और वन प्लान के साथ जब वो काम करेगा तो जितने भी इंप्लॉइज होंगे जितने भी वर्कर्स होंगे दे विल फॉलो द सीनियर पर्सन दैट हेड, उस हेड को वो क्या करेंगे फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स क्या होंगे कॉमनली अचीव किए जाएंगे सेकंड, इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज अगर हम और देखें तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये भी देखने को मिलता है कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज हमारी क्या हो 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 जाती जाती है 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 इससे खत्म ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी हमारी बिल्कुल भी जो है नहीं हो पाती नेक्स्ट हम अगर इसका वॉयलेटिंग इफेक्ट देखें अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो ये जो नेगेटिव इंपैक्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अगर मान लीजिए नेगेटिव इफेक्ट देखेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट में बेसिकली क्या बात सामने निकल कर आएगी देखिए नेगेटिव इफेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या बात हमारे सामने निकल कर आएगी कि जो ये ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज रुकती है वो रुकना बंद हो जाएंगी देर विल बी ओवरलैपिंग देर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड सेकेंड वन डायरेक्शन यूनिटी ऑफ एक्शन है वो भी नहीं होगा नो यूनिटी ऑफ एक्शन नो यूनिटी ऑफ एक्शन एंड थर्ड वन नो कोऑर्डिनेशन नो कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा तो ये तीन बातें हमारी बेसिकली नहीं होंगे ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं एक बेसिक सा डिफरेंस बताया गया है बिटवीन द यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आइए से मिलवा देता हूँ ये छोटू है ये बीच बीच में बार बार आके मुझे परेशान करता है ये कह रहा है कि हाँ ठीक है बेटा चलो आप जाओ एंजॉय करो मैं क्लास ले दे नहीं बेटा मैं क्लास ले देता हूँ जाइए चलिए डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इनके बीच में क्या अंतर है आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक बार देखिये यूनिटी ऑफ कमांड हमने पढ़ा था देर शुड बी वन बोस फोर एवरी इंडिविजुअल ठीक है जो भी एक इंडिविजुअल है सबोर्डिनेट है उसके लिए केवल एक ही बोस होना चाहिए और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है देर शुड बी वन हेड वन हैड विद वन प्लान विद वन प्लान यह हमारा होना चाहिए सो so मीनिंग हम इसी के आधार पर डिस्कस करेंगे वन सबोर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर दैट इज वन बोस वेर एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैड एंड वन प्लान हमारा एक ही जो है मुखिया होना चाहिए और उसका एक ही प्लान होना चाहिए सेकेंड अगर हम डिफरेंस की बात करें एम देखिए जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो ड्यूल सबोर्डिनेशन को रोकता है ड्यूल सबोर्डिनेशन का मतलब है कि एक सबोर्डिनेट को एक सबोर्डिनेट को दो लोगों से दो लोगों से अलग अलग ऑर्डर ना मिले इस बात को ये रोकता है जबकि इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी ये क्या करता है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी को कम करता है क्या करता है ये ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी को कम करता है क्लियर है बताइए हम जब करके बताइए क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बिल्कुल क्लियर है चलिए सो इंप्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय ये किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को क्या करता है मतलब ये किस पे इंप्लीमेंट क्या है इसका कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करने के बजाय केवल एक इंडिविजुअल पर्सन को यह क्या करता है अफेक्ट करता है उस पर प्रभाव डालता है इफेक्ट डालता है और जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करता है क्लियर चलिए नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है गिवन बाय हेनरी फ्यूल दैट इज सब ऑर्डिनेशन ऑफ सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट यानी सबोर्डिनेशन का मतलब क्या है किसी चीज को कम कर देना कम करना कम करना किस चीज को कम करना बेटा ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी अगर हमारा कोई व्यक्तिगत व्यक्तिगत कोई हित है तो उस व्यक्तिगत हित को हम कम करके किसको इंपोर्टेंस देते हैं गिविंग इंपोर्टेंस टू इंपोर्टेंस टू जर्नल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट रनिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता है का जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो उसको ज्यादा महत्व ना देकर किसको महत्व दे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को दे देखिए छोटा सा एग्जांपल लेके मैं स्टार्ट करता हूं इसको आप देखिए अगर मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सपोज करिए प्रोडक्शन मैनेजर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्या है प्रोडक्शन मैनेजर है और आपके यहां एक फंक्शन है आप इस फंक्शन में गए हुए हैं ठीक है ठीके? और आपके पास कॉल आती है आपके बॉस की यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ओनर की कॉल आती है कि भाई कहा हो मिस्टर ए आपका नाम ए है कहा हो आप बताते हो किसी फंक्शन में हूं कहते तुरंत आइए हमारी एक इमरजेंसी मीटिंग है ऑन द प्रोडक्शन प्रोडक्शन के ऊपर तो उसमें आपका प्रेजेंट होना जरूरी है तो उस वक्त आप क्या रोल प्ले करते हो आप कैसे एक लीडर के तौर पे पे अपने अपने रोल को को निभाते हो ये आप आप डिपेंड करता है तो वहां पर पर्सनल इंटरेस्ट छोड़कर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की तरफ जाना पसंद करेंगे और वहां पर अगर आप जाते हैं तो यू आर गिविंग द सबोर्डिनेशन ऑफ यूर जनरल इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट राइट चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी और इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो यह कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा इसका और इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के द्वारा बताने की कोशिश भी की गई है देखिए अ मैनेजर कैन इंश्योर दिस बाय हिज और हर एग्जाम्पलरी बिहेवियर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने फंक्शन को छोड़कर ऑर्गेनाइजेशन में जाना ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जाना पसंद करेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग एक एग्जाम्पलरी के तौर पे प्रेजेंट करेंगे तो बिहेवियर माना जाएगा आपका ठीक है, द लार्जर जर्नल इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स और कंपनी इसका मतलब क्या है कि उसके पास जो एज एन इंडिविजुअल पावर है उसका गलत यूज ना करे अपनी फैमिली बेनिफिट के लिए बजाय जनरल इंटरेस्ट यानी जनरल इंटरेस्ट पर उसका मेन फोकस होना चाहिए ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर यानी वो वर्कर्स और कंपनी का पहले प्रेफरेंस करें और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बाद में देखे दिस विल रेज हिज और हर स्ट्रक्चर स्टेटस इन द आई ऑफ दिस इज स्टेटस इन द आई ऑफ द वर्कर्स एंड एट द सेम टाइम इंश्योर सेम बिहेवियर बाय देम और अगर वो ऐसा करेगा तो एम्प्लॉई भी उसके इस बिहेवियर को देखकर अपने आप को सेम वे में क्या करेंगे प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे आइए एक एग्जांपल एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके बारे में देखिए एवरी वर्कर हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन है कंपनी द कंपनी हैज हैजो इट्स ओन ऑब्जेक्टिव कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं फॉर एग्जाम्पल कंपनी वुड वॉन्ट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इट्स एम्प्लॉई एट आर कंपिटेटिव कॉस्ट दैट इज का मतलब है उनको एक ऐसी सैलरी दे जो बाकी लोग भी प्रोवाइड कर रहे हो ना वो कम हो ना वो ज्यादा हो से ज्यादा सैलरी लूंगा जबकि वो तो काम क्या कर रहा है कम कर रहा है इन अनदर सिचुएशन एन इंडिविजुअल इंप्लॉई मे डिमांड सम कंसेशन विच इज नॉट एडमिजेबल टू एनी अदर इम्प्लॉय लाइक वर्किंग फॉर लेस टाइम in all the situation the interest of the group company will be superseded superseded मतलब ऊपर रखा जाएगा प्रेफरेंस पे दिया जाएगा द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि नहीं स्कूल्स में कुछ टीचर्स पार्ट टाइम जॉब करते हैं और उनको जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है वो सैलरी एक रेगुलर टीचर से ज्यादा दी जाती है और उनको चार या पांच लाख से देके घर बेच दिया जाता है तो वहां पर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को

मुझे भी सैलरी आप टू रेगुलर कम करके दे सकते हैं और मैं पूरा समय लगाने की कोशिश करूंगा तो वो एक एग्जाम्पल एंड स्टेक होल्डर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन पर्सन ऐसा इसलिए होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल में जो वर्कर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेक होल्डर होते हैं उनका इंटरेस्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय किसी एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के सो फॉर एक्साम्पल इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स दैट इज ओनर्स शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स डेटर्स फाइनेंशियर टैक्स अथॉरिटीज कस्टमर्स एंड द सोसाइटी एट ए लार्ज कैन नॉट बी फॉर वन इंडिविजुअल और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु वां टू एक्सपर्ट प्रेशर हु टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंपनी जो कंपनी पर क्या डालता है प्रेशर डालता है उस व्यक्ति के बजाय हम बाकी जो स्टेक होल्डर है उनको मैत्र देंगे और उस व्यक्ति को हम रिट्रेंच कर कर देंगे देंगे निकाल देंगे, उसकी जगह एक नया पर्सन अपॉइंट ऐसा आपने जनरली अपने स्कूल में ऑर्गेनाइजेशन में संस्था में देखा होगा बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आई क्लियर हुई चलिए आगे चलते हैं अगर क्लियर हुई तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आप प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए अगर हम लोग सबोर्डिनेशन करेंगे जर्नल इंटरेस्ट को ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट या सॉरी सबोर्डिनेशन करेंगे इंडिविजुअल इंटरेस्ट का टू जनरल इंटरेस्ट यानी जनरल इंटरेस्ट को बढ़ावा देंगे और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को खत्म करेंगे तो इसका पॉजिटिव प्रभाव क्या होगा और नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा बताइए अगर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नकारते हैं और जनरल इंटरेस्ट को मोर इम्पोर्टेंट करते हैं ऊपर रखते हैं तो इट विल हेल्प टू अचीव द इट विल हेल्प टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स किस में मदद करेगा ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करेगा लेकिन अगर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बढ़ावा देते हैं और जनरल इंटरेस्ट को डाउन कर देते हैं तो ये हमारे एक एज एन ऑब्स्टेकल के तौर पे, ऑब्स्टेकल्स के तौर पे या हिंड्रेंस के तौर पे काम करेगा जिससे हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को क्या नहीं कर पाएंगे अचीव नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर नॉट एबल टू आर नॉट एबल टू अचीव हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे इज इट क्लियर ठीक है तो ये आपने पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट देना है और कॉन्सेप्ट हमें पता लगी गया कि यहां पर हमें करना क्या है जनरल इंटरेस्ट को ज्यादा बढ़ावा देना है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम देना है चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल पर चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है रेमुनरेशन ऑफ यहां तक सारी बातें क्लियर है समझते हैं रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है देखिए रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है जो वर्कर होते हैं उनको दी जाने वाली सैलरी प्लस एनी कमीशन प्लस एनी काइंड ऑफ बोनस यानी कि ये तीनों चीजें उसको जिस जो इंप्लॉय को हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए ट्रू एंड फिर होनी चाहिए मींस अदर ऑर्गेनाइजेशन में जो किसी एम्प्लॉय को सैलरी मिलती तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या देंगे ये सैलरी देंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको क्या करेंगे uh, जो बोनस कमीशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे ऐसा नहीं होगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी और में काम करता तो वहां उसको ज्यादा पैसा मिलता और हम उसको कम दे रहे हैं या उसका कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या हम सेम वर्कर सेम काम करने वाले को अलग अलग सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो जब सेम वर्कर से अलग अलग काम करने वाले को अलग अलग सैलरी देंगे तो वहां जनरली इक्विटी का मैटर आ जाएगा फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑफ एम्प्लॉय पर चलिए द द ओवरऑल पे एंड एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो भी ये बेसिकली हमारा क्या है इसका कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो भी हम सैलरी अमाउंट वगैरह पेड करेंगे वो इतनी होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्लॉयज दोनों के लिए कैसी हो फेयर हो जिस सैलरी पर एक इम्प्लॉय काम करना चाहता है और जो सैलरी एक ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉय को देना चाहता है वो दोनों आपस में उस पर सहमत हो अगर वो उस पर सहमत होंगे तो दे विल डू द वर्क इन प्रॉपर एंड इफेक्टिव मैनर राइट चलिए द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस एम्प्लॉय को कैसी वेजेस मिलनी चाहिए फेयर वेजेस मिलनी चाहिए

पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी और जो कंपनी की जो पेइंग कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए ऐसा ना हो कि कंपनी पे ही ना कर पाए इंप्लॉय इतनी सैलरी मांग ले तो वो बिल्कुल भी फेयर वेजेज नहीं मानी जाएगी इन अदर वर्ड रेमोलेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल अगर हम इन शॉर्ट बात करें कॉन्सेप्ट के बारे में तो रेमोलेशन टू इंप्लॉयज का कॉन्सेप्ट क्या कहा जा सकता है रेमोलेशन शुड भी

कैसा इन्वायरमेंट शांतिपूर्ण इन्वायरमेंट सह संबंध वाला इन्वायरमेंट जहां पर अच्छे से संबंध हो उनके बीच में गुड इन हो बीन वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट इस प्रकार का इन्वायरमेंट ये क्रिएट करने की कोशिश करता है अगर हम जस्ट एंड फेयर रेमुनरेशन प्रोवाइड करते हैं बोलिए क्या आपको ये बातें क्लियर हैं क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं बताइए अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए वर्किंग ऑफ कंपनी वुड बी स्मूथ और इसका प्रभाव जो है कंपनी का कंपनी पर वो कैसा होगा, smooth होगा. Smooth मतलब effective होगा. Properly, जो है, उनके बीच में अच्छे संबंध होने की जैसे काम हो पाएगा अगर हम इनके नेगेटिव इंपैक्ट की तरफ चले तो वट वुड बी द नेगेटिव इंपैक्ट बताइए इनके नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं देखिए जब भी आपसे नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में बात की जाए नेगेटिव इमेक्ट के बारे में बात की जाए तो जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसको नेगेटिवली प्रेजेंट करने की कोशिश करिए आपका नेगेटिव इफेक्ट बन जाएगा लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर हम जस्ट एंड फेयर जस्ट एंड इक्विटेबल इक्विटेबल या फेयर रेमुनरेशन नहीं देंगे नहीं देंगे तो क्या होगा बताइए तो क्या होगा उस कंडीशन में क्या होगा तो जितने भी हैं हैं जितने भी हैं, उनका इंप्लॉयर रेट बढ़ जाएगा उनका रेट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने जाना स्टार्ट कर देंगे क्लियर तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा तो अगर सो अगर इसको फॉलो करते हैं तो अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा अच्छे संबंध बनेंगे लेकिन अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है इंप्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना पसंद करें यानी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना स्टार्ट करें नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन नेक्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्यूल दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन देखिए सेंट्रलाइजेशन को एक लोकल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो जब यू कहा जाता था, था ना कि चौधर चौधर मतलब पावर जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो जब किसी एक व्यक्ति के है, हाथ में हो यानी कि एक सेंटर एक पर्सन के हाथ में हो तो हम उसे क्या कहते हैं सेंट्रलाइजेशन और जब वही पावर एक व्यक्ति के हाथ से निकल कर एक व्यक्ति के हाथ से निकल कर सबोर्डिनेट्स में डिवाइड हो जाती है बट जाती है सबोर्डिनेट्स के हाथ में क्या हो जाती है बट जाती है यानी कि सबोर्डिनेट्स को इंपोर्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है सबोर्डिनेट्स को इंपोर्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं कि देर इज आर एन ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ये कहेंगे सेंट्रलाइजेशन uh, नहीं है या डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन है तो वो कामयाब नहीं हो सकता और कहेंगे कि सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन तो भी वो कामयाब नहीं हो सकता उसको जरूरत है दोनों प्रकार के

डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पर कंसंट्रेशन हो तो उसे सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे एज एज इट डिस्पर्सल अमंग मोर देन वन पर्सन इज नोन डिसेंट्रलाइजेशन जैसा कि मैंने आपको फिगर बना के बताया आप चित्र बना के बता सकते हैं वेन द पॉवर आर टू बी कंसंट्रेटेड इन ए सिंगल हैंड कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल हैंड तो देन यू विल से दैट देर इज अ सेंट्रलाइजेशन एंड वेन द पावर्स आर डिस्पर्सल डिसल अमंग वेरियस पर्सन अमंगस पर्सन देन यू विल से डिसेंट्रलाइजेशन राइट तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसी को हम कॉन्सेप्ट बोलेंगे ये कॉन्सेप्ट के तौर पर आप इसको मैंशन करेंगे या फिर एप डब्ल्यू टेल सॉरी हेनरी फोल्ड क्या कहते हैं देर इज अड टू बैलेंस सब ऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रो डिस मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल ऑथोरिटी सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन कहते हैं Fjol, कि भाई और डिसेंट्रलाइजेशन में एक, एक मैनेजर्स के पास आखिरी फाइनलिटी रहनी चाहिए कि वो सबोर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट करें उनके जो है ना तर्क वितर्क सुने और अगर उनको ठीक लगे तो वो इन्वॉल्व करें नहीं लगे तो उनको छोड़कर खुद से एक डिसीजन

सेंट्रलाइजेशन के साथ डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करेंगे तो डिसीजन लेना आसान हो जाएगा क्विक डिसीजन लिए जा सकते हैं क्या लिए जा सकते हैं क्विक से लिए जा सकते हैं लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर आपने डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर लिया और अननेसेसरी पावर्स आपने बांट दी तो पॉसिबिलिटी है कि जो डिसीजंस क्विक डिसीजंस होने थे वहां पर वो डिसीजन एग्जैक्ट ना हो एग्जैक्ट का मतलब क्या है प्रोपरली वो डिसीजन ना लिए जाए कहीं ना कहीं जो वर्कलोड है कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन uh, को अगर हम मान लीजिए प्योरली फॉलो करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं मान लीजिए वर्कलोड जो है वो ओनर्स uh, का यानी सीनियर्स का बढ़ जाएगा और डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम करते हैं तो सब पर भी वर्कलोड बढ़ने की वजह से डिसीजंस अच्छी क्वालिटी के हो सकता है कि ना आए समझ रहे हैं कि भाई सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि डिसीजन हम तुरंत ले पाए और डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि डिसीजन लेने में देरी हो अगर हम सेंट्रलाइजेशन को फॉलो ना करके डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वहां हम अपने सबोर्डिनेट को एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं उनको इन्वायरमेंट का ऑर्गेनाइजेशन uh, का पार्ट समझ रहे हैं लेकिन अगर डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो जाए तो इस तरीके की कॉन्सिक्वेंसिज हमारे सामने आ सकते हैं तो प्लीज आप इसको एक बार दोबारा से रिमाइंड करके जरूर सुनिएगा चलिए आज का लास्ट प्रिंसिपल हम लोग चेन देखिए स्केलर चेन के बारे में अगर हम पढ़े तो सिंपली इसको आप ये मानिएगा इट इज अस्ट टू लोवेस्ट रैंक वे ठीक है हाइएस्ट टू लोवेस्ट रैंक कम्युनिकेशन वे जहां पर हाईएस्ट रैंक वाला लोवेस्ट रैंक वाले को ऑर्डर देगा और लोवेस्ट रैंक वाला हाईएस्ट ऑर्डर तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेगा तो इसको फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी के नाम से भी जानते क्या जानते हैं इसको फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी ठीक है फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट है एक एक्चुअल में ये एक पिरामिड शेप में ठीक है कुछ इस तरीके की पिरामिड शेप में एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है जहां पर ए बी सी और डी यहां पर ई एफ जी और एच इस तरीके से लेवल्स बटे हुए होते हैं टॉप लेवल फिर उनसे लोअर लोअर और सबसे नीचे सबसे लोअर इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन में होता है हमारे पास ठीक है और बीच में एक हम इमरजेंसी वे क्रिएट करते हैं क्या क्रिएट करते हैं एक इमरजेंसी वे क्रिएट करते हैं जिसको हम बेसिकली गैंग प्लैंक के नाम से जानते हैं गैंग प्लैंक के नाम से जानते हैं तो इस डायग्राम के साथ आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी ऑर्डर है पावर्स हैं वो ए से बी बी से सी सी से डी तक या ए से ई e, e से एफ एफ से जी तक जाते हैं अगर कोई सुजेशन देने हैं तो डी से सी सी से बी बी से A तक पहुंचेंगे और जी से एफ एफ से ई e, और ई e से ए तक पहुंचेंगे ठीक है इस वे में कम्युनिकेशन होगा लेकिन अगर मान लीजिए कोई एमरजेंसी में सी को एफ से कम्युनिकेट करना है या सी को डायरेक्ट ए से कम्युनिकेट करना है तो ही रिक्वायर्स द परमिशन और कंसेंट फ्रॉम द इमीडिएट बोस जो इसका इमीडिएट बोस है उससे इसको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो इस एफ से कम्युनिकेट करना चाहता है और एफ को अपने इमीडिएट बोस ई से परमिशन लेनी पड़ेगी ताकि वो आपस में क्या कर सके कम्युनिकेट कर सके अगर उसको ए से कम्युनिकेशन करना है तो इमीडिएट बोस बी से परमिशन लेकर डायरेक्ट वो ए से कम्युनिकेट कर सकता है जैसे कि आपने स्कूल में देखा होगा कि एक बच्चा अगर अपनी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पहले अपने क्लास टीचर को बताता है क्लास टीचर कोऑर्डिनेटर को बताता है कोऑर्डिनेटर वाइस प्रिंसिपल तक बात पहुंचाएगा वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल तक बात पहुंचाएगा लेकिन अगर कोई बात ऐसी है जो बहुत जरूरी है और डायरेक्ट प्रिंसिपल तक जानी चाहिए तो बच्चा डायरेक्टली अपने क्लास टीचर से परमिशन लेके और बात को प्रिंसिपल तक ले जा सकता है ठीक है तो डायरेक्टली कम्युनिकेट आपस में कर सकते हैं तो आइए इसको थोड़ा पढ़ते हैं समझते हैं क्या एक्चुअल में इसके बारे में कहा गया है देखिए स्केलर चेन के बारे में क्या बताया कॉन्सेप्ट क्या है एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड सबोर्डिनेट्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के लोग होते हैं सुपीरियर सबोर्डिनेट दमल ऑफ अथॉरिटी चैन फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है जहां पर हाइएस्ट ऑर्डर से लोवेस्ट रैंक के पर्सन तक लाइन जाती है इसे हम क्या बोलते हैं स्केलर चैन फॉर्मल लाइन ऑफ अथोरिटी नाउ अकॉर्डिंग टू फ्यूल फ्यूअल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड है Chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and एंड subordinates. एक प्रकार की ये क्या है chain of authority है जिसमें communication जो है वो top to bottom run करता है और सभी मैनेजर्स और subordinates के द्वारा इसको फॉलो किया जाना कंपल्सरी है जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया दिस इज द डायग्राम फॉर स्केलर चेन इसको हम स्केलर चेन डायग्राम के नाम से जानते हैं इस तरीके का डायग्राम बनाकर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आइए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं देखिए लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली देयर इज वन हेड ए हु हैज टू लाइंस ऑफ अथॉरिटी अंडर हर और हिम वन लाइन कंसिस्ट ऑफ बीसीडी अंदर लाइन कंसिस्ट ऑफ एल एम एन जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया है डायग्राम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ए के नीचे बीसीडी और इधर ई एफ जी हैं इफ सी हैज टू कम्युनिकेट अगर सी को एम से कम्युनिकेट करना है हु इज एट द सेम लेवल ऑफ अथ्योरिटी देन सी और ही हैज टू ट्रांसवर्स द रूट सी बी ए एल एम उसको यहां तक पहुंचने में किस तरीके से बात करनी पड़ेगी सी को बी से बी तक बी को ए से ए को ई e से ई e को एफ से एफ को जी तक यानी कि एफ है तो एफ इसके लेवल में है तो एफ तक बात पहुंचाने में ऐसे जाना पड़ेगा इस तरीके से मूव करना पड़ेगा ठीक है तो ये क्या है फॉर्म लाइन ऑफ अथॉरिटी है दिस इज ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन ऐसा क्यों होता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन की वजह से फॉलोड इन दिस दिस सिचुएशन अकॉर्डिंग टू फ्यूल कहते हैं चेन शुड नॉट बी वोलेटेड ये चेन टूटनी नहीं चाहिए इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर मान लीजिए नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात चल रही है तो उसमें ये चेन जो है टूटनी नहीं चाहिए ऐसे ही बातें फ्लो होनी चाहिए ऐसे ही कम्युनिकेशन होना चाहिए हाव एवर इफ देर इज एन एमरजेंसी Then C न डायरेक्टली कॉन्टेक्ट एम थ्रो गैंग प्लैंग के थ्रू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है एज शोन इन द डायग्राम जैसे कि में दिखाया गया देखिए ये जो डायग्राम बनाया गया है इस डायग्राम को बिल्कुल प्रॉपरली देखिए आप एक बार इस डायग्राम में चैन ये जो पिंक कलर है इसके थ्रू बताया गया है कि अगर डी को अपने एन से बात करनी है तो उसकी बात ऐसी जाएगी वो सी से कम्युनिकेट करेगा सी बी से बी जो है वो ए से कम्युनिकेट करेगा ए उसकी बात को एल तक पहुंचाएगा एल एम तक पहुंचाएगा और एम एन तक उसकी बात को पहुंचाएगा ठीक है लेकिन लेकिन अगर हम बात करें गैंग प्लैंक की अगर मान लीजिए डी को एन से एमरजेंसली एमरजेंसी में कोई काम है और एमरजेंसी में कोई डिस्कशन लेना है तो ही नीड्स प्रायर परमिशन प्रायर परमिशन ऑफ हिज इमीडिएट, इमीडिएट सीनियर ठीक है इमीडिएट सीनियर से परमिशन लेनी पड़ेगी और डी का इमीडिएट सीनियर कौन है सी तो ये इससे परमिशन लेगा और एन एम से परमिशन लेगा देन दे विल कम्युनिकेट टू ईच अदर और वो एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे और बात इस तरीके से कम्युनिकेट होगी तो इसे हम किससे करेंगे गैंग प्लैंक से यही बात मैंने ऊपर आपको समझाने की कोशिश की तो गैंग केस ऑफ डिलेड इन एन एमरजेंसी केस एमरजेंसी केस में किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन शॉर्टर ना हो आइए एक टॉप टिप हमें गिवन है इसके बारे में पढ़ लेते हैं वर्कर कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट सीईओ ऑफ द कंपनी इफ एट All he or she has to, then all the formal levels, that is foreman, superintendent, manager, director, etc. must know about the matter. उन सब को इस मटर का पता होना चाहिए। तब जाके एक वर्कर CEO को अपनी बात बता सकता है। However, in an emergency, it can be possible that a worker can contact CEO directly. अगर अगर कोई इमरजेंसी है तो वो डायरेक्टली सीईओ से कांटेक्ट भी कर सकता है बट इट इन द केस ऑफ ओनली गैंग प्लैंक ठीक है ये कैसे हो सकता है केवल गैंग प्लैंक जो route है route है किसका इमरजेंसी कम्युनिकेशन का तो उस कंडीशन में वो ऐसा कर सकता है अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हरासमेंट का केस आ जाता है

तो बताइए बेटर रिलेशन बनेंगे कि नहीं बनेंगे ठीक है रिस्पेक्ट क्रिएट होगी कि नहीं होगी बिल्कुल होगी बेटर रिलेशन आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन है उनके में, और रिस्पेक्ट भी होगी क्या होगी रिस्पेक्ट ऑफ द अथॉरिटी भी क्रिएट होगी ठीक है लेकिन अगर स्केदर चैन को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहां इनफॉर्मेशन का डिसऑर्डर हो जाएगा क्या हो जाएगा डिसऑर्डरली ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ अगर मान लीजिए हर कोई चैनल को ब्रेक करने लगा तो रिस्पेक्ट ऑफ अथोरिटी भी क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी रिस्पेक्ट ऑफ अथोरिटी भी क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी फिनिश हो जाएगी उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा क्लियर तो ये इसका बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिला तो यहां तक हमने टोटल कितने प्रिंसिपल फॉलो कर लिए बताइए जरा चार हमने पहले क्लास में डिस्कस किए थे और पांच आज हमने टोटल और डिस्कस कर लिए तो कुल मिलाकर हमने नाइन प्रिंसिपल्स जो है डिस्कस कर लिए अब पहले चार के लिए मैंने आपको बताया था डी ए डी यू इन चार से आप पहले अक्षर से इनको आप याद रख सकते हैं अब बताइए आपने आज जो पांचवें नंबर का प्रिंसिपल डिस्कस किया उसका क्या नाम था बताइए दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यू से आप डिनोट कर ले यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दूसरा बताइए क्या था आपका सबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट तो यूएस ठीक है देन उसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयज के बारे में तो आप यहां पर इसको आर से डिनोट करें रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयज दादू यू एस आर सी सी मतलब हमने बात की थी किसके बारे में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में एंड लास्ट वन हमने क्या पढ़ा है स्केलर चैन स्केलर चैन तो दादू यू एस आर सीनियर कंपनी सेक्रेटरी को आप जैसे मर्जी याद करें पहले पहले को याद रखें ताकि आपको ये पांचों नाम याद करने में थोड़े सा इजी रहे दादू यू एस आर सी एस यू एस आर सी एस क्लियर तो ये पांच वर्ड ये और चार वर्ड वो टोटल मिलाकर नौ वर्ड आप एक लाइन में लिखें डी ए डी यू यू एस आर सी एस यू एस आर सी एस ठीक है इस तरीके से आप इसको याद करने की कोशिश करें टोटल हमने नाइन प्रिंसिपल अब तक डिस्कस कर लिए नेक्स्ट हम प्रिंसिपल नंबर टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और फोर्टीन इन पांच नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे टिल दैट आप इन पांचों प्रिंसिपल्स को एक बार जरूर रिवाइज करिएगा जैसे ऑर्डर है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर principle of equity principle of आपका stability of personal then principle of आपका कौन सा है नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड एट द एंड इज सेपरेट द कॉर्प्स एट द एंड क्या है इज सेपरेट द कॉर्प्स तो यहां तक आप एक बार को जरूर रीड करें ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपके साथ ये प्रिंसिपल डिस्कस करूं तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो इज इट क्लियर चलिए चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हुए अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अदरवाइज मेरे नंबर पर नाइन सिक्स सेवन वन नाइन टू फाइव सिक्स टू फोर पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं ताकि कोई डाउट किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम सॉल्व आउट कर सके अपनी नेक्स्ट क्लास में अगर कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी आपके माइंड में हो तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसको हम इजिली बेसिकली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाएंगे ठीक है तब तक के लिए शुभ रात्रि गुड नाइट आराम से आप इस क्लास को देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते जाइए और इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल यदि आपने अब तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए थैंक यू